नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे बच्चों किसी वायर के अंदर से करंट पास करता है तो हमने पढ़ा था बच्चों क्या डेवलप होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जो किसी वायर के अंदर से बच्चों आपका करंट पास करेगा वो दो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज्यादा बच्चों हम करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या इंक्रीज होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। यदि बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपको चेंज हो जाएगा। अभी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, आपका डिस्टेंस का। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आपका डिक्रीज होगा, जब डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आपका डिक्रीज होगा। तो आज की वीडियो टॉपिक है बच्चों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों का कनेक्टर कैसा हो सकता है, स्ट्रेट वायर कनेक्टर हो सकता है, स्ट्रेट वायर हो सकती है, सर्कुलर या आपका सोलेनोइड हो सकता है। तो तीन तरीके के कनेक्टर हो सकते हैं बच्चों आपका। तो आज हम स्टडी करने वाले बच्चों का स्टेट वायर के अंदर से जब आपका करंट पास करता है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो बच्चों, जब भी किसी स्टेट वायर कनेक्टर के अंदर से करंट पास करेगा तो वो क्या बनाएगा बच्चों, आपके सर्कुलर लूप्स बनाएगा। इस तरीके से देखो बच्चों, मान लो बच्चों आपका करंट जा रहा है इस तरह से, ठीक है बच्चों, जैसे कोई आपकी सीट है ये, ठीक है, सीट के नीचे से करंट आ रहा है, नीचे से कहां आ रहा है बच्चों आपका, ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे बच्चों आपका कनेक्टर है, करंट कहां जा रहा है बच्चों आपका, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमने क्या डाल दिया बच्चों, यहाँ पे आयरन पाउडर डाल दिया। जब बच्चों इसके अंदर से करंट पास करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, आपकी ये सर्कल्स बनाएगा, इस तरीके से क्या बनाएगा बच्चों, आपके सर्कल्स बनाएगा, ठीक है। और ये सर्कल कैसे होंगे बच्चों, आपके कोसेंट्रिक, इन सभी का सेंटर क्या होगा बच्चों, आपका सेम सेंटर होगा, ठीक है, सभी का सेंटर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। करंट कहां जा रहा है बच्चों, आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आपकी एंटी क्लॉक वाइज। किस तरीके से होगा बच्चों आपका, इस तरीके के होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉक वाइज। यदि बच्चों यहां से करंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। करंट इंक्रीज किया हमने तो नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। यदि नंबर ऑफ सर्कल्स इंक्रीज होते हैं इसका मतलब क्या बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल्स इंक्रीज करते हैं वो आपको किसको इंडिकेट करेंगे बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यदि करंट आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा होगा बच्चों, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें चेंज करते हैं, यहां पे क्या बच्चों आपका पॉजिटिव है, यहां पे क्या बच्चों आपका नेगेटिव है, तो करंट कैसे जाएगा बच्चों आपका, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा बच्चों, इस तरीके से। तो कैसा होगा बच्चों आपके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी बच्चों आपकी, क्लॉकवाइज। कैसा होगा आपका, ये क्लॉकवाइज होगा। सेम बच्चों यहाँ पे हम करंट की स्ट्रेंथ करेंगे तो आपका नंबर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस लॉ को स्टडी करने के लिए बच्चों करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, तो हमारे पास क्या बच्चों, मैक्सवेल राइट हैंड रूल है। एक साइंटिस्ट है बच्चों मैक्सवेल, उसने नेम दिया था बच्चों राइट हैंड रूल।
तो राइट हैंड रूल के हिसाब से बच्चों हमें अलाइन करना, वी हैव टू अलाइन अवर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में से करंट आ रहा है वहां पे हम क्या करें बच्चों आपका थंब अलाइन करेंगे। देखो बच्चों यहां कोई तरफ जा रहा था, देखो बच्चों करंट का आधार आपका ऊपरी तरफ जा रहा है, ये अंगूठा रखा बच्चों हमने ठीक है इस तरीके से, और फिंगर्स को क्या कर दिया बच्चों हमने क्रॉल कर दिया, फिंगर को क्या कर दिया बच्चों हमने इस तरीके से क्रॉल किया है, तो करंट क्या रहा बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या रहा बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। फिंगर को क्या करें बच्चों इस तरीके से क्रॉल करेंगे, कैसा होगा बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फिंगर जैसे करंट आपका ये टिप है, इसको मानो ये करंट आपका ऊपरी तरफ जा रहा है, अंगूठे को इस तरीके से रखा, फिंगर्स को हमने इस तरीके से टर्न किया, तो क्या होगा बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्या कर दी बच्चों हमने रिवर्स कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों करंट आपने रिवर्स कर दिया, नीचे तरफ क्या किया बच्चों इस तरीके से करंट नीचे तरफ किया है, तो हमने फिंगर्स को नीचे रखा इसको हाथ को, और बच्चों हाथ को जैसे घुमाएंगे इस तरीके से ठीक है, देखो इस तरीके से घूमेगा आपका ये, तो बच्चे कैसा होगा आपका ये क्लॉकवाइज, तो बच्चे नीचे तरफ क्या होगा आपका क्लॉकवाइज, ऊपरी तरफ क्या होगा बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ से हम राइट हैंड रूल से अपने करंट की डायरेक्शन क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं, वो करंट आपका किस पे डिपेंड करेगा बच्चों आपका जितना मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा बच्चों आपका कितना हम करंट पास कर रहे हैं, कितना हम करंट पास कर रहे हैं, करंट की स्ट्रेंथ कितनी है और डिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा, यदि नंबर ऑफ सर्कल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बच्चों आपका इंक्रीज करेगा ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे, यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।